गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतगणना ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को एआरओ अपर आयुक्त अजय कांत सैनी द्वारा एनएक्सी भवन के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन खंड का चुनाव सोमवार को सम्पन्न हुआ, जिसकी काउंटिंग 2 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्यकर विभाग में होना सुनिश्चित है। मतगणना के लिए सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि मतगणना सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। उन्होंने बताया कि निर्वाचन एकल पद्धति पर आधारित है, इस चुनाव के काउंटिंग की प्रक्रिया अन्य चुनाव से अलग है, इसलिए मतगणना में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो भी काउंटिंग होगी पूरी पारदर्शिता शुचिता व निष्ठा के साथ मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि यह कार्मिक पूरी तरह से फिट रहे, इसलिए दोबारा इनको ट्रेनिंग दी गई है, जिससे मतगणना सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, क्या होगा 25 बक्से रखने होंगे, क्योंकि साइज इसके बड़े बड़े हैं, तो 25 बक्से होंगे जो ओपन टाइप के होंगे या ट्रे होंगे या जो भी व्यवस्था वहां दी गई होगी, 24 और एक इन्वर्टेड रखने के लिए 25। तो इस तरह से उन बक्सों में वो मतपत्र वहां जमा होते जाएंगे प्रत्याशी बार। उसका फिर सेकंड राउंड में एक काम करना है, कुल जब 1000 का बंडल गिनने का बात आएगा ना, तो कुल हमको लगता है 8 से 9 राउंड में हो जाएगा, क्योंकि 1,845,000 मतपत्र पड़े हैं, तो उस लिहाज से 1,000 हर राउंड में आएगा। तो 8-9 राउंड में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जब भी छंटनी हो गया एक एक नंबर का, तो आरओ साहब के पास प्रारूप है, उस प्रारूप में क्या लिखा हुआ है, इधर प्रत्याशियों की क्रम संख्या और उनके नाम उसी क्रम में जैसा कि मतपत्रों पर क्रम है और उनका नाम है, और उसके बगल में पार्सल में मतों की संख्या लिखा होगा। इसका मतलब फर्स्ट प्रिफरेंस वाले प्रत्याशियों द्वारा जितने मत पाए गए होंगे उनकी संख्या पूरे राउंड कंप्लीट करने के बाद लिख दी जाएगी। सब स्वीकृत मतों की बात हो रही है और इनवैलिड को अलग रखा जाएगा, उन इनवैलिड का कुछ नहीं करना, वो बस अलग पड़े रहे। जितने स्वीकृत मत है, मान लीजिए प्रत्याशी नंबर 1 से लेकर आपको वो जो मुहर दी जा रही है किसी कारण से अस्वीकृत करना है इनवैलिड होने के, उनमें से कोई ना कोई एक ही कारण लागू होना चाहिए तो वो इनवैलिड होगा, या एक से अधिक कारण भी लागू हो सकते हैं उसमें। आपको प्रशिक्षण दिया गया, जैसा आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की मतगणना आप लोगों ने की होगी, ईवीएम वाली तो सबसे आसान है, उसमें किसी को कोई ऐसा कुछ आप लोगों को निर्णय करने की कोई स्थिति होती ही नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम आती है प्रधानी में भी, इसलिए कोई समस्या नहीं आई जिन लोगों ने भी की होगी, क्योंकि वहां सीधे जितने भी वोट सबसे ज्यादा पाता है सीधे जीत जाता है, परंतु यहाँ जो है कई डिफरेंट राउंड्स होते हैं और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट घोषित होता है, परंतु इसमें बहुत समय लगता है। जैसे अभी इस समय आज मतलब हमारे कल 20 जनवरी को चुनाव हुआ, 17 जनपदों में जो है 1,09,550 लोगों ने मतदाताओं ने जो है अपना मतदान किया है, 1,09,550। अब हमारे आप लोग 14 टेबल लगी होंगी, हर टेबल पर जिसके पास टेबल नंबर 1 होगा उसको 1, 15, 29 इस सीक्वेंस में आपके पास मतपेटिकाएं खुलेंगी। मेन चीज क्या है, लगभग जो हमारे मतपत्रों को बंडलिंग करने वाला जो काम है वो लगभग 23 राउंड तो इसके होंगे, 23 राउंड, क्योंकि 321 बूथ हैं, और अगर पूरा का पूरा एक लास्ट में 14वें टेबल पर केवल 23 की जगह 22 ही खुलेंगे, परंतु उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वजह क्या है, हमारे 321 बूथों में 32 बूथ ऐसे हैं जहां पर दो दो मतपेटिकाएं दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है सीधे सीधे 353 मतपेटिकाओं को
खोला जाएगा। इंजीनियर मनोज कुमार गुप्ता फ्रॉम PWD। अभी जो कल 30 जनवरी 2023 को विधान परिषद में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक 2023 का मतदान संपन्न हुआ है, उसकी काउंटिंग 2 फरवरी 2023 को यूनिवर्सिटी के अंदर वाणिज्य संकाय में होना सुनिश्चित है। वहाँ पे जो मतगणना की कार्रवाई की जानी है, उस मतगणना से रिलेटेड ही आज प्रशिक्षण का कार्यक्रम कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि मतगणना हमारी सुचारू ढंग से संपन्न कराई जा सके। किस तरह के टेंट तैयारी क्या क्या बताया? इसमें खास करके जो ये हमारा जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय पद्धति पर आधारित है, तो इस प्रकार से इसमें जो मतदाता होता है वो प्रेफरेंशियल वे में अपना मतदान करता है और डिजिट के रूप में उसका मतदान उसमें स्वीकार्य होता है, तो उसके द्वारा दिए गए मतदान को का ही रिजल्ट के लिए जो मतगणना उस दिन होगी वो कई स्टेप में संपन्न होती है। उसमें उसकी जो काउंटिंग है अन्य प्रकार के जो निर्वाचन होते हैं उसके काउंटिंग से थोड़ा भिन्न है, तो उस में इस टाइप के काउंटिंग में थोड़ा समय जो है वो ज़्यादा लग सकता है, तो लेकिन जो भी काउंटिंग हमारी होगी पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी शुचिता निष्ठा के साथ वहाँ पर होगी और कहीं से कोई भी उसमें व्यवधान इत्यादि आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो ये कार्मिक हैं काफ़ी ट्रेंड हैं और उसी काम के लिए इनको दोबारा ट्रेनिंग आज दी जा रही है, ताकि उस दिन का काउंटिंग सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।